मिर्जापुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिवाद दाखिल किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में विक्रम सिंह ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अपील दाखिल किया है। विक्रम ने माता सीता पर दिए गए दिनेश शर्मा के बयान पर मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। एक मुकदमा दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ हमने 15 तारीख को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मिर्जापुर के न्यायालय में दाखिल किया था। तो कोर्ट चूंकि खाली थी, साहब छुट्टी पर थे, तो आज आने पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये पत्रावली जो 295 क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हमने एक परिवाद जो दाखिल किया था उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज आदेश में पत्रावली रखी हुई है और उम्मीद है कल तक निर्णय उसमें आ जाएगा। जो भी आदेश होगा आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।